press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज हम फिर आ गए हैं न्यू एपिसोड के साथ। आज हम सर से मिलने का मौका मिला है, सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का और चर्चा करने का मौका मिला है। और ये न्यू सेक्सुअलॉजी जो क्लिनिक है उसमें हम सर से मिलेंगे और सर से कुछ हम सवाल पूछेंगे और उसका समाधान भी हम देंगे। तो चलिए सर से मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू मैडम? वेरी फाइन सर। आज हम कुछ चर्चाएं हम करेंगे जो सेक्सुअलॉजी की आजकल मेन जो प्रॉब्लम है युवाओं की उसको लेके। जैसे अभी हम लोग तो मोस्टली हम मेल्स में देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस आते हैं या जो भी हमारे केसेस आते हैं कि लोग टेस्टोस्टेरोन जो हो रहा है, हार्मोन डिस्फंक्शन जी उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए और आगे जो भी एक बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एक मेल को होना चाहिए अपने सारी लाइफ टाइम में, वो चीज तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है लोगों में और उस चीज को कैसे मॉडर्न होम्योपैथी में देखते हैं, उसको क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और मैं भी अपने जो प्रैक्टिस करता हूँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और मेरे जो भी ब्रांचेस हैं या ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आज मैक्सिमम देखा जाए कि पहले अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूँ आपसे तो सन 2000 की तो वहाँ पे जो एज ग्रुप था 40-50 ईयर्स, मगर आज जो मैं एज ग्रुप देख रहा हूँ कि आज बिलो 30 या 25-30 या 30-40 ईयर्स ये कॉमन एज ग्रुप है जहाँ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल आ रहा है। और ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल देखिए, पहले तो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, एक हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, मेल एंड फीमेल बॉडी टेस्टिस करती है और जैसे फीमेल में देखा जाए तो उसके लेवल कम होती है, मगर हाँ मेल में ये डोमिनेंट होता है, मेल में एक फैक्टर होता है जैसे कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मात्रा पाई जाती है। अगर इसकी कमी हो रही है तो कोई ना कोई कारण है, लो टेस्टोस्टेरोन होने के बहुत सारे कारण है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टेस्टिस डेवलप नहीं हो पाई या फिर उनके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है या जेनेटिक है। जेनेटिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके एक्वायर्ड कंडीशंस भी बन जाती हैं, बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे ग्रोथ, अगर उसकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी आवाज मोटी नहीं हो रही, आपने देखा होगा कि लेडीज की आवाज पतली होती है, कारण क्या है, क्योंकि लेडीज में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है, इसी कारण से मेल फैक्टर होता है जिसका लिबिडो होता है, सेक्स ड्राइव बोल सकते हैं, सेक्स की उत्तेजना होती है या उसका एक डिजायर होती है, सेक्स ड्राइव पुरुष में होती है और बाल आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है पूरी बॉडी में, प्यूबिक एरिया हो या चेस्ट एरिया हो या दाढ़ी आती है ब्रेन, ये सब चीजें टेस्टोस्टेरोन लेवल डिसाइड करते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हम अगर रिलेट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं बोलते हैं सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, लो सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम आ रही है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है तो पहले हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, व्हाट इज द कॉज ऑफ ईडी। ईडी इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट, व्हेन द मेल अनेबल टू ऑब्टेन और मेंटेन और सस्टेन द इरेक्शन, बट there are so many causes, bad effects of masturbation, irregular dietary habits, lack of blood supply to the penis, there are various reasons, बहुत सारे, मगर एक reason और भी है जो कि हम checkup कराते हैं, जब उनका हम blood test कराते हैं, testosterone serum testosterone level कराते हैं तो उसमें low testosterone level आता है, वो एक major cause हो जाता है erectile dysfunction का, जो कि बहुत सारे local doctors बता नहीं पाते, नीम हकीम के पास जाते हैं वो जड़ी बूटियां पकड़ा देते हैं, अगर किसी एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो जाके थोड़ा बहुत बता पाएगा, मगर एक जब इंसान मिसगाइड होता है वो जिंदगी में, आज ही करीबन 4-5 पेशेंट मेरे को कॉल करते हैं बोलते सर आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की दवाई दी उससे हमारा इरेक्शन प्रॉब्लम चली गई, इट्स अ मिरेकल, क्योंकि जब तक आप कॉज को रिमूव नहीं करेंगे, जब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा व्हाट इज द रियल कॉज फॉर दिस प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चाहे लो सेक्स ड्राइव हो, उत्तेजना की कमी है, हिंदी में हम बोल सकते हैं, अगर एक पुरुष जिसको उत्तेजित नहीं हो रहा है, उसको सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं टीचर हूं मैं थोड़ा सा क्लियर बताना चाहूंगा, अगर एक पुरुष को कहीं ना कहीं लो सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना पड़ेगा। और बहुत सारी अप्रोच हमारी मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी, तो ये तो डे टू डे लाइफ है, आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं कि डाइट लोग प्रॉपर नहीं ले पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिससे हार्मोनल इंबैलेंस होता है। थैंक यू सर से आज हमें जानकारी मिली जिसके बारे में, और इसका समाधान बिल्कुल मॉडर्न होम्योपैथी में है और आगे हम लोगों को बताएंगे भी, गाइड भी करना चाहेंगे, अवेयर भी करना चाहेंगे कि प्लीज आप होम्योपैथी में विश्वास रखें और आगे अपना ट्रीटमेंट लें। जैसे कि आपने बहुत अच्छा लोगों को मैसेज दिया, और मैं बताना भी चाहूंगा कि मेरे जो फॉर्मूले हैं वो प्योर हर्बल हैं, जैसे कि मॉडर्न होम्योपैथी का आज वर्ल्ड
पूरे विश्व की बात करूँ सेकंड लार्जेस्ट फैलती है, और इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम पेशेंट के लक्षण नोट करते हैं, उनका फिर रूब्रिक सिलेक्शन करते हैं, प्राइवेट चेकअप करते हैं कि कहीं सप्लाई की प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, या टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो रहा है तो पहले उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसके बाद मैं बताऊं आपको, मेरे पास अगर रिकॉर्ड में तो सभी के केस स्टडी मेरे पास है। मैं अगर बताऊं कि कुछ लोग आए मेरे बोलते हैं सर प्यूबर्टी की एज हमारी हो गई है, मगर लिंग का साइज छोटा है, पीनस का साइज, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, माँ बाप कॉन्शियस होते हैं सर ये 13 साल का हो गया इसका पीनस डेवलप नहीं हो रहा है। तो जब पीनस डेवलप नहीं होगा तो हम भी चेक करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टिकुलर डैमेज की वजह से कॉज क्या होता है इसका, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई अल्कोहलिज्म, या मंस की प्रॉब्लम हो जाती है, एमएमआर टीका नहीं लगवा पाते, एक पिट्यूटरी डिजीज भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि आपने देखा होगा हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, इस कंडीशन में भी ब्रेस्ट बोल सकते हैं कि जैसे इसमें एक पुरुष में अगर वो डेवलपमेंट ज्यादा होने लगे ब्रेस्ट का तो उसको हम रिलेट करते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। जैसे पेशेंट आता है बोलता है सर मुझे ये प्रॉब्लम मेरे ब्रेस्ट ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो ये भी एक डिजीज आ जाती है, जैसे कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, या हम बोल सकते हैं कि सर सिम्टम्स क्या क्या आते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, तो सिम्टम्स सबसे पहले आएगा हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हेयर बॉडी ग्रोथ, और हेयर ग्रोथ के साथ डिक्रीज मसल मास, वो दुबला पतला सा रहेगा पेशेंट, और वो पेशेंट फील भी नहीं कर पाएगा, कमजोरी फील करेगा, भले ही वो एक प्राइवेट पार्ट्स की कमजोरी देखें, साइज में कमी, या ओवरऑल बॉडी की कमी देखें। अभी जो केसेस हैं वही बता रहा हूँ, डिक्रीज सीमेन वॉल्यूम रहेगा, वीर्य का कमी रहेगी उसमें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कि आप पूछ ही चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, फॉल्टी का फैट नहीं बन पाएगा, थकान बनी रहेगी पेशेंट में, और थकान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है मूड स्विंग, मूड चेंजेस बहुत जल्दी होंगे। तो ये सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूँ तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्ले सिलेक्ट करेंगे कि वाकई इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैच हो रहा है कि नहीं। सेकंड मेडिसिन अगर मैं देखता हूँ बेराइटा कार्ब, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें भी हम देखते हैं कि कहीं डॉर्फिज्म तो नहीं है, कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके वर्क कर रहे हैं कि नहीं। एक और अच्छी मेडिसिन है कैलेडियम, कैलेडियम ओवरऑल काम करती है, बहुत सारे रिजल्ट हमें अच्छे मिले। कालीफॉस अगर नींद की प्रॉब्लम है, नींद अगर डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है पेशेंट, मूड स्विंग है, तो कालीफॉस बहुत अच्छा काम करेगी। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है न्यूफरलुटियम, न्यूफरलुटियम मदर टीचर फॉर्म में देते हैं, इसमें भी लो सेल्फ ड्राइव और हर चीज कवर होती है। एक कॉमन मेडिसिन है आपने सुना होगा सेलिनियम, सेलिनियम आज बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं 3x पावर में, मगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए पेशेंट का, जेनेटिक मेकअप मिलना चाहिए, और लास्ट बट नॉट दिस एसिड फॉस्फोरिकम, एसिड जिसको फॉस्फोरिक एसिड का भी नाम दिया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैडम मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेडिसिन तो लगभग अगर मैं कीनोट सिम्टम की बात करूं तो 35 से 40 मेडिसिन, अगर देखें तो 350 मेडिसिन है, मगर वी हैव टू सिलेक्ट मेडिसिन एज पर द सिम्टोमेटोलॉजी, क्योंकि हमारा जो ऑफरिज्म था हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, और हमारा कर्तव्य है कि पेशेंट का रूट कॉज तक जाना, उसको डाइट चार्ट देना, उसको एक्सरसाइज बताना, उसके ओवरऑल उसका जो मेकअप है मेंटल मेकअप फिजिकल मेकअप चेंज करना। तो इन्हीं सब कारणों से आज हमें एक अप्रिसिएशन मिला है कि पेशेंट्स को रिस्पॉन्स मिला है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके व्यूअर्स जो देख पा रहे हैं इस वीडियो को, वो भी झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़ के कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम का समाधान करें। जी थैंक यू सो मच सर, आपकी इतने अच्छे गाइडेंस के लिए और हमें इतना अच्छा अवेयर करने के, और हमारी सोसाइटी में एक अच्छा हेल्दी और अच्छा एक्टिव लोगों को करने के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे एक नए सवाल के साथ।